तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि यकीनन ये 2022 का भारत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी देश फाइटर जेट वगैरह बेचता है ना, तो वो अपनी कंडीशंस रखता है। खासकर अगर अमेरिका के एस्पेक्ट से बात की जाए तो भाई अमेरिका तो इतनी सारी कंडीशंस रख देता है कि उस वजह से उसे खरीदना भी बहुत बड़ा झमेला होता है। उसके फाइटर जेट के अंदर किल स्विच तक होते हैं कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो किल स्विच को ऑन कर देगा सैटेलाइट के जरिए, और आपका फाइटर जेट उसके बाद फिर स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर धक्का मारकर आपको उसे चलाना पड़ेगा, ये स्थिति तक आ सकती है। और भी कई सारे देश जो हथियार बेचते हैं उनकी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, लेकिन भारत अब उनमें से नहीं रहा है, क्योंकि भारत अब अपनी ताकत को पहचान गया है। जब यार हम लोग इतने सारे फाइटर जेट एक साथ खरीदते हैं, हमने जो MiG-21 खरीदे, हमने जो Su-30 MKI खरीदे, ये इतनी भयानक क्वांटिटी में खरीदे थे कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना एक साथ कोई भी देश पहले फाइटर जेट नहीं खरीदता था जितना कि हम लोगों ने खरीदा। और अब भी जो 114 हम लोग MRFA के तहत फाइटर जेट खरीदने वाले हैं, सोचिए वो कितना बड़ा नंबर हो गया। 20 से 25 बिलियन डॉलर्स हम लोग स्पेंड करने वाले हैं इस डील को लेकर। तो कहने का मतलब स्थिति आ चुकी है कि अब हम लोग किसी और की कंडीशन मानने के बजाय अपनी कंडीशन अप्लाई करें। जी हाँ, और अब एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है। और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद कह देंगे कि यार भारत खुद ब खुद कह रहा है कि भैया आएगा तो सिर्फ राफेल और अन्य कोई भी फाइटर जेट यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि जो भारत की कंडीशंस है उन्हें पूरा फुलफिल कर पाएगा केवल और केवल फ्रांस बिना किसी झमेले के। चलिए आगे देखते हैं कि एक्चुअली एक्सपर्ट्स का इन सब चीजों के ऊपर मानना क्या है। तो दोस्तों फाइटर जेट खरीदने के लिए कई सारी चीजों को एक साथ देखा जाता है। सबसे पहले फाइटर जेट की कैपेबिलिटी, वो कितना ज्यादा सक्षम होगा दुश्मनों से हमें बचाने के लिए, यह सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट हो सकता है किसी भी फाइटर जेट को चुने जाने के लिए। लेकिन अब परिस्थिति अगर देखें तो MRFA के अंदर जितने भी फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक स्वीडन वाला सिंगल इंजन फाइटर जेट छोड़कर बाकी सब के सब ताकतवर फाइटर जेट हैं, और चाइना के पास इनका कोई भी जवाब नहीं हो सकता। फिर आप Su-35 ले लीजिए, SU-57 ले लीजिए, या फिर F-15 ईगल ले लीजिए, या फिर यूरो फाइटर टाइफून ले लीजिए, रफाल ले लीजिए, इनमें से किसी का भी जवाब चाइना के पास डेफिनेटली नहीं हो सकता। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट है। लेकिन केवल ये कंडीशन बराबर नहीं है, यहाँ पर अब हम लोग चाहते हैं कि भारत द्वारा बनाए जाने वाले स्वदेशी वेपन भी, फिर ईयर टू ईयर हो या फिर ईयर टू ग्राउंड हो, उनका इस्तेमाल भी हम लोग इन फाइटर जेट से कर सके। अब अगर ये कंडीशन पूरी करवाने की बात की जाए तो केवल फ्रांस इसके लिए तैयार है। इवन फ्रांस ने तो हमसे MOU भी इसको लेकर साइन कर लिया है। BDL DRDO द्वारा तैयार की गई जिन भी मिसाइलों का मैन्युफैक्चरिंग करता है उन सभी का इस्तेमाल रफाल में कर सकेंगे, और न केवल भारतीय रफाल में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी रफाल का इस्तेमाल करता है वो सारे के सारे भारत से हथियार खरीद कर अपने रफाल के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन। चलिए इसी तरह की सेम कंडीशन हमें बिल्कुल आंख बंद करके रशिया भी दे देगा। तो यहाँ पर एक बात हो गई। दूसरी बात आती है पॉलिटिकल इशू। जी हाँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी किन चीजों के ऊपर निर्भर करती है और कौन सी चीज ऐसी बीच में आ सकती है जो कि हमारे द्वारा खरीदे गए फाइटर जेट के मामले में बाद में हमें तकलीफ दे सकती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फ्रांस और रशिया, ये दोनों से फाइटर जेट खरीदना भारत के लिए पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा आसान होगा और बहुत ही ज़्यादा सरल होगा। जबकि अगर हम लोग यूरो फाइटर टाइफून खरीदते हैं या फिर हम लोग खरीदते हैं अमेरिका का कोई फाइटर जेट, तो इसमें तकलीफें बिल्कुल आएंगी। अमेरिका का एग्जाम्पल ले लिया जाए तो रिसेंटली अमेरिका ने जिस हिसाब से पाला बदला है और जिस हिसाब से पाकिस्तान को अपनी गोदी में बिठाया है, उसको देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि वो हमारे लिए आने वाले 30-40 साल वफादार रह पाएगा। और अमेरिका की चूंकि टांग खींचने की आदत है, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप हमारे साथ बहुत अच्छे हैं उस देश से। अगर बात की जाए यूरो फाइटर टाइफून की, तो उसमें भी समस्या है। यूरोपियन देशों और भारत की कभी नहीं बनी, ये बिल्कुल अमेरिका जैसे ही देश हैं। तो यहाँ पर भी दिक्कतें आएगी। फ्रांस और रशिया इसके लिए सूटेबल है। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो भारत को सबसे प्राइम टेक्नोलॉजी चाहिए, और साथ ही इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ। तो अमेरिका यहाँ पर थोड़ी सी नाटक जरूर कर रहा है। ठीक है, यूरो फाइटर टाइफून के साथ यूरोपियन कंसोर्टियम हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर बात की जाए फ्रांस के रफाल F4 वेरिएंट की, तो वो हमारी इन फ्यूचर भी जितनी रिक्वायरमेंट होगी टेक्नोलॉजी वाइज उसे वो फुलफिल करता है। साथ ही जो रशिया अपना SU-35 भारत को ऑफर कर रहा है वो भी एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ कर रहा है। तो कहने का मतलब अभी तक आपने देखा कि फ्रांस और रशिया दोनों ही इस कॉम्पिटिशन में आगे चल रहे हैं। इसके बाद आएगा नंबर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में भी हम लोग यूरोपियन कंसोर्टियम पर विश्वास ज्यादा नहीं कर सकते, अमेरिका पर नहीं कर सकते, फ्रांस के ऊपर किया जा सकता है, रशिया के ऊपर किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी हम लोग स्पेशली ध्यान दे रहे हैं इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हम लोग एमका के लिए इंजन बनाना चाह रहे हैं उसमें सबसे बड़ा प्रतियोगी फ्रांस ही होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसकी भी बॉन्डिंग काफी ज्यादा मैच करती है।
इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए, जो मेंटेनेंस चाहिए या फिर जो ट्रेनिंग वगैरह चाहिए, तो इस मामले में भी हम लोग केवल और केवल फ्रांसीसी राफेल और कोई रशियन फाइटर हो उसके बारे में ही जानते हैं। रशियन फाइटर की बात की जाए तो हमने इतने इस्तेमाल किए हैं, उनके ऊपर इतना अनुभव लिया है कि उसकी लगभग सारी चीज़ें हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और फ्रांस की बात की जाए तो रफाल को लेकर स्पेशली हमने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, ट्रेनिंग प्रॉपर की है और सारी चीज़ें मेंटेनेंस से संबंधित भारत में मौजूद है। तो ये सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी कौन कौन फुलफिल कर सकता है, तो इसमें फ्रांस और रशिया सबसे आगे आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि रशिया के ऊपर लगे हैं कई सारे सैंक्शंस। रशिया हमें इन फ्यूचर सब कुछ चीज़ें दे सकता है, उसका मेंटेनेंस वगैरह भी प्रॉपर कर सकता है, लेकिन डिलीवरी के लिए दिक्कतें जाएगी क्योंकि जो रशिया की जो सप्लाई लाइन थी इन सब चीज़ों को बनाने के लिए वो डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है इस समय, क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। इन फ्यूचर और भी ज़्यादा सैंक्शंस लग जाने की वजह से रशियन डिफेंस फर्म्स जो है वो और ज़्यादा गर्त में जा सकती है, तो शायद ये सौदा फायदे का बिल्कुल नहीं हो सकता भारत के लिए। दूसरी बात, रशिया से फाइटर जेट खरीद लेना मतलब एक पूरे बेल्ट को, एक आधी दुनिया को ही समझ लीजिए आप नाराज़ कर रहे अपने आप से, तो भारत ये रिस्क नहीं लेगा। तो अल्टीमेटली भारत एक ही ऑप्शन लेकर चल रहा है और वो है सिर्फ रफाल। तो अब आप भी समझ गए होंगे जितनी कंडीशंस मैंने बताई उनको फुलफिल करने वाले देशों के बारे में मैंने आपको बताया, तो इन सभी को देखकर हम कह सकते हैं कि केवल और केवल फ्रांसीसी रफाल ही भारत के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए पहली पसंद होंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।